वेलकम बैक दोस्तों, आज हमें ढिंगरा किया फरीदाबाद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के HTK प्लस वेरिएंट की 1.5 लीटर इंजन के साथ अपना जो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसका आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे फीचर ये कार आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या स्पेसिफिकेशंस आते हैं, प्राइस रेंज, कलर ऑप्शंस और जितनी भी डिटेल्स हैं सारी कुछ आज के इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें जो फ्रंट प्रोफाइल है इस कार का कुछ इस तरीके का मिल जाता है और काफ़ी मस्कुलर है। यहाँ पर फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं तो वाइडर सी विंडो स्क्रीन है, ट्विन आपको मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग नहीं है। यहाँ पे आप बोनट देख सकते हैं, काफ़ी एरोडायनेमिक दिया गया है। बीच में आपका किया का लोगो है वो मिल जाता है और जो इसकी ग्रिल है वो आपको डायमंड नर्लिंग पैटर्न डिज़ाइन के साथ दी गई है। किया की जो अपनी टाइगर नोज ग्रिल है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर। बीच में आपको जो है मैट फिनिश और साइडों में आपको यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है विद डायमंड नर्लिंग पैटर्न डिज़ाइन के साथ। हेडलैम्प्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देखें सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका DRL जो कि अपना हार्ट बीट शेप के साथ दिया गया है। टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। नीचे अपना देखें तो यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर वाले जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो मिल जाते हैं, सिंगल यूनिट है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फॉग लाइट जो कि प्रोजेक्टर वाली है और इसके अंदर भी आपको हेलोजन टाइप का जो बल्ब है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल लाइटिंग सेटअप जो है फ्रंट प्रोफाइल का आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। बाकी फ्रंट बम्पर्स आपको यहाँ पे बॉडी कलर के ही दिए गए हैं और नीचे की तरफ आपको जो है वो सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो ऑफर की जाती है। तो फ्रेंड्स आपने इस कार को कंप्लीट चेकआउट कर लिया है। अब बात आती है साइड प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखें तो कंप्लीट साइड प्रोफाइल आपको इस कार का कुछ इस तरीके का मिल जाता है, रेड कलर में है। इसके अलावा आपको कई सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, नीचे आप सभी कलर के ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जो इसके व्हील्स हैं वो मिलते हैं 16 इंच के प्रोफाइल के साथ और ये आपको सिंपल मतलब सिंगल टोन के अंदर दिए गए हैं सिल्वर फिनिश के साथ और कुछ इस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है वो आपको मिल जाता है। अगर आप इसके अपर वेरियंट में जाते हैं तो जो इसका व्हील साइज़ है वो बढ़ जाता है और डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है। 16 इंच का प्रोफाइल देख सकते हैं 205/65R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक यानी कि चारों डिस्क ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें तो अपने साइड क्लैडिंग और ये व्हील आर्चेस आपको देखने को मिल जाता है जो कि इसके लुक को कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं और बोल्डर लुक बनाते हैं। इसके अलावा इसके जो अपने आउटसाइड डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर के ही मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन के साथ, यहाँ पर आप ये देखें और ये रियर वाला डोर हैंडल भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर इनकी बात करते हैं तो ये अपना बॉडी कलर के हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। एडजस्ट करने के लिए आपको इंटरनल में बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ से जो है ना वह आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ से एडजस्टमेंट है और यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड, यहाँ पे देखें ये अपना फोल्ड अनफोल्ड का फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी ए पिलर जो है वो आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ, बी पिलर ब्लैक आउट है और सी पिलर जो है इसके ऊपर भी आपको ये वाला पोर्शन ब्लैक कलर में ही दिया गया है। ये कंप्लीट जो इसकी लाइन जा रही है विंडो फ्रेम गार्निश वाली ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है। ऊपर आते हैं तो अपनी सिल्वर कलर की जो रूफ रेल्स हैं वो दी गई हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको शार्क फिन डाइव रेडियो एंटीना और सनरूफ आपको नहीं मिलता। HTK प्लस वेरिएंट में आप देखते हैं ना तो उसमें सनरूफ भी ऑफर किया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है जब आप इसके साथ IMT वेरिएंट परचेस करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की, उसके बाद चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो ये आ चुका है रियर प्रोफाइल कंप्लीट, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का मिलता है। शार्क फिन एंटीना बता दिया, ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पॉइलर जो कि इंटीग्रेटेड है। स्पॉइलर इसके अलावा भी मिलता है जो कि आप अपर वेरिएंट में लेते हैं, तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं तो ये रियर विंड स्क्रीन जिसमें आपको डिफोकर्स, वाइपर और वॉशर जो है वो मिल जाता है। दोनों ही टेल लैंप्स को आपस में कनेक्ट करती हुई ये सिल्वर कलर की आपको एक लाइनिंग मिल जाती है जिसमें किया का यहाँ पे लोगो और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये देखें रिवर्स पार्किंग कैमरा। इधर आते हैं दोस्तों, टेल लैंप्स आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको यहाँ पर हार्ट बीट शेप के साथ जो रियर टेल लैंप्स हैं हैलोजन वाले वो मिल जाते हैं कुछ तरीके के लुक में। ये आप देख सकते हैं दो रिफ्लेक्टर्स वाले पॉइंट मिल जाते हैं, लाल कलर की गाड़ी है तो लाल कलर के रिफ्लेक्टर्स इतने मालूम नज़र आपको नहीं आते। इधर देखें तो अपने जो सेल्टोस है वो मार्किंग मिल जाती है, नए सेल्टोस की बैजिंग की गई है और लोअर पोर्शन पे यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक कलर की जो है वो आपको पट्टी मिल जाती है कुछ तरीके की, जिसमें आपको डुअल मफलर डिज़ाइन वो देखने को मिलता है और सिल्वर कलर की आपको इसका जो अपनी रियर स्किड प्लेट है वो मिल जाती है। चार पॉइंट के साथ अपने जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट इस कार का रियर प्रोफाइल, अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं अदर फीचर्स। तो दोस्तों आ चुके हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और यहाँ पर देखें तो सेल्टोस का जो HTK प्लस वाला वेरिएंट है वो आपको कंप्लीट ब्लैक कलर की थीम में मिल जाता है। कोई भी आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया, बीच में आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी ढका हुआ है लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको मिलता है।
बाकी अपनी स्टेयरिंग व्हील जो है वो कंप्लीट राउंड शेप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अपर वेरिएंट एच टी एक्स का भी हमने रिव्यू किया है, जो गाड़ी सामने खड़ी हुई है वो रही, तो इसका रिव्यू भी आपने देखना है तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिव्यू आप देख सकते हैं। बाकी ये देखें तो राउंड शेप के साथ अपना स्टेयरिंग व्हील है, जिसमें आप देखें तो इधर की तरफ आपको क्रूज और इधर की तरफ आपको एमआईटी कंट्रोल, यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस स्टेयरिंग व्हील को आपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलता। बात आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डिजिटल और एनालॉग टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों ही एनालॉग हैं। बीच में आपको छोटी सी जो एमआईटी स्क्रीन है वो ऑफर की गई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको ये देती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिस्टम की चेकिंग मिल जाती है कुछ इस तरीके से, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये बताता है, जैसे कि अपनी शिपिंग मोड वगैरह इस टाइम बता रहा है, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है 10 किलोमीटर्स, कितना टेम्परेचर है और फ्यूल वगैरह की इंडिकेशंस। अदर इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है तो यहाँ पे बटन दिया गया है, यह प्रेस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ड्राइव इन्फॉर्मेशन अपनी सारी, ये देखिए फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सारे कुछ आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, सेटिंग वगैरह भी आप यहीं से ही इसमें कर सकते हैं, काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखें तो अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और अपना म्यूजिक सिस्टम का जो लेआउट है वो आपको कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। 8 इंच की आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया गया है, जिसमें आपको ड्राइव रियर व्यू मॉनिटर वगैरह की जो फैसिलिटी है वो सारी ऑफर की जाती है। अब इस म्यूजिक सिस्टम का रिस्पॉन्स आप देखिए किस तरीके का आपको मिल जाता है, और फीचर वाइज देखा जाए तो मैंने बता ही दिया एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले कनेक्टिविटी साथ है, वो भी वायरलेस। नीचे वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, ये अपना मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और एक आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, बीच में यूएसबी पोर्ट और एक 12V का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर दिया गया है। फोन स्टोरेज के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी स्पेस है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ये आ गया इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके साथ आता है कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको ये दिया गया है। यहाँ पे एक पार्किंग ब्रेक लीवर विद अपना सिल्वर टिप के साथ है, ट्विन कप होल्डर साथ ही। अब आप इसकी की देख लीजिए तो यहाँ पे आपको जो है ना कुछ इस तरीके की स्मार्ट की मिल जाती है और बहुत अच्छे लुक के साथ है। इसमें आपको 4 बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक होल्ड और यहाँ पे आप देखें तो अपना बूट लिस्ट का बटन मिल जाता है, सेम की आपको दूसरी वाली भी दी गई है। बाकी दोस्तों अदर आप फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो जो इसका अपना आर्म रेस्ट है वो आपको मिल जाता है कुछ तरीके का, नीचे आपको खासी स्टोरेज के लिए स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है। ये ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपना जो ड्राइवर साइड सनवाइज़र है उसमें वैनिटी, नीचे आते हैं तो अपना इनसाइड रियर व्यू मिरर ये आता है डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ। इधर आती है एक अपना सनग्लास होल्डर, हैलोजन टाइप जो इसके कैबिन लैंप्स हैं वो दिए गए हैं, और इधर आते हैं तो को ड्राइवर साइड में सनवाइज़र विद वैनिटी मिरर दिया गया है। एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है लेकिन फिक्स टाइप का, और नीचे आपको ग्लोव बॉक्स दिया गया है जो कि कुछ इतने स्पेस के साथ है, और ये नॉर्मल टाइप ग्लोव बॉक्स है, इसके ऊपर आपको कूलिंग वगैरह जो है वो ऑफर नहीं की गई है। सीट्स की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की सीट अपोल्स्ट्री मिल जाती है, और ये कंप्लीट अपना फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री ही ऑफर आपको की गई है। दोनों ही एड्रेस आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और ये देखिए फैब्रिक सीट अपोल्स्ट्री जिसमें आपको एयरबैग की प्रॉपर मार्किंग मिल जाती है। टोटल 4 एयरबैग इस वाले वेरियंट के अंदर आपको मिलते हैं, 4 एयरबैग, ABS, CVT, ESP, अपना ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे कुछ जो बेसिक फीचर्स हैं, हिलो होल असिस्ट वगैरह सारे कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट करने के लिए, यहाँ से आपको रिक्लाइन डिक्लाइन करने के लिए, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए लीवर मिल जाता है। तो ये हो गई इस गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल की बात। इसका प्लेट वगैरह आपको नहीं मिलती है इस वाले वेरिएंट के अंदर, बाकी सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और एक और फीचर जो कि मैं आपको दिखा दूँ तो जो इसकी सीट बेल्ट है इसकी हाइट को भी ना आप जो है ये देखिए यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर और नीचे, तो ये भी एक अच्छा फीचर आपको एड ऑन मिल जाता है। चलिए आप चलते हैं सेकेंड रो में और देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं। ये आ गया इस गाड़ी का सेकेंड रो, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफाइल यहाँ पर भी आपको मिल जाती है ये कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश ही देखने को मिल जाता है, कोई भी आपको यहाँ पर डुअल टोन कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता। फैब्रिक सीट है, हेडरेस्ट यहाँ पर लेकिन फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी जगह आपको मिल जाती है, लेगरूम वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये रियर AC वेंट और यहाँ पर फोन स्टोरेज के लिए स्पेस, और यहाँ पर मिल जाता है आपको चार्जिंग सॉकेट। बाकी दोस्तों अदर फीचर देखें तो यहाँ पर देखें तो अपने जो रियर डोर है उसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों ही रियर डोर्स के लिए यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से सनशेड कर्टन, ये दोनों ही अपने जो रियर डोर्स हैं उनके लिए मिल जाता है। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ है, ये पोर्शन भी आपको मिल जाता है प्लास्टिक का फिनिश, और यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट है, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है जिसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट पॉइंट मिल जाता है। और फीचर वगैरह आप अंदर देखें और तो ये जो सीट है ना दोस्तों ये आपको फुल फोल्ड फीचर के साथ दी गई है, जिसको आप कंप्लीट 100% फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ज़्यादा रिक्वायरमेंट बूट स्पेस की तो आप इस तरीके का अरेंजमेंट यूज़ कर पाते हैं और अपने बूट स्पेस को ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो इसको कर देते हैं दोबारा से ठीक और बात करते हैं बूट स्पेस की। तो चलिए आ चुके हैं बूट स्पेस में। बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप इसको ओपन आसान से कर लेंगे। तो ये आ गया इसका बूट स्पेस का प्रोफाइल, कितना स्पेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है सीएमएस क्रेटा। और इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका एक ग्रोसरी हुक, दूसरी तरफ मिल जाता है अपना कैबिन लैंप जो कि अपना बूट लैंप आप कह सकते हैं। नीचे मिलती है स्टेपनी टायर की प्लेसमेंट, ये देखिए। और यहाँ पे आपको 16 इंच का प्रोफाइल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो स्टील लिम मिल जाते हैं 16 इंच के प्रोफाइल के साथ, रियर में आपको पार्शियल ट्रे भी दी गई है। और यहाँ पे बंद करने के लिए आपको एक जो है इस तरीके का हैंडल भी प्रोवाइड किया गया है। कर देते हैं इसको बंद और बात करते हैं अदर फीचर्स की। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 115 पीएस की पावर और 144 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है। बाकी इसके अंदर आपको 1.4 लीटर का टर्बो चार्ज और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी ऑफर किया जाता है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस कार के अंदर आपको 4 एयरबैग, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, अपना इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोग्राम, हिल असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे जो सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, ऑल फोर डिस्प्ले जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब आती है बात प्राइसिंग की, तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसका जो शोरूम कॉस्ट आता है वो है 12,35,000 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट डेली आपको करीब करीब 14.5 लाख रुपए तक जाता है। बाकी आप अपने नियर बाय डीलरशिप से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप दिल्ली एनसीआर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो विजिट कर सकते हैं डिंगरा किया फरीदाबाद में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।